हे एवरीवन, तो आज हम नाश्ते में बना रहे हैं दाल वाले परांठे। मूंग दाल कुछ डिफरेंट टाइप के हैं। तो मैंने मूंग दाल को 1 घंटा पहले सोख करने रख दिया था। अब इसे आटे में मिला के इसमें नमक, मिर्च, मसाला, अजवाइन, कस्तूरी मेथी और सब मसाले स्पाइसेस जो आपको पसंद है वो इसमें डाल देंगे। और इसमें थोड़ी मैंने कस्तूरी रोस्ट करके डाली है मेथी, और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अजवाइन वगैरह सब इसमें डालेंगे। फिर मैंने बस इसको नॉर्मली जैसे गूंदते हैं आटा वैसे ही गूंदा है। तो अब हम ये आटा गूंद लेंगे और फिर इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखेंगे, मतलब 10 मिनट तक तो रखेंगे रेस्ट करने के लिए। तो फिर चलते हैं हम इसको बनाने के प्रोसेस में। और यहाँ पर मैं रायता बना रही हूँ, उसमें मैंने बूंदी डाली है और ये थोड़ी सी कस्तूरी मेथी वगैरह, इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है। और कुछ जीरा मैंने भून के रखा था, जीरा पाउडर, तो वो भी इसमें डालेंगे। और अपने बेसिक मसाले जो आपको पसंद है, चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट वगैरह, अमचूर पाउडर, अगर कुछ भी डालना हो चाट मसाला वो भी आप डाल सकते हैं। और बस वही मैंने इसमें थोड़े से बेसिक मसाले डाले और बस अब इसको मिक्सअप कर देंगे थोड़ा सा। तो इन परांठे के साथ रायता बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी। और बस अब हम इसको मिला देंगे। और इधर हमारा रायता भी बन के तैयार हो चुका है। बस अब मैं इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। तो हमारा रायता कुछ बन के इस तरह तैयार है। आप चाहे तो इसमें जीरे का तड़का भी लगा सकते हैं। और हमने वही पराठा, जो मूंग दाल का स्टफ पराठा था, वो हमने इसमें आटे के साथ मिलाया था, वो हम बेलेंगे और कुछ इस तरह बनाएंगे सेक के। तो बहुत टेस्टी होता है, एक बार आप भी बना के देखना, बहुत टेस्टी है। तो बस यही आज का मेरा लंच है, तो मैं ये बना लेती हूँ और देते हैं बच्चों को खाने के लिए। उनको देख पूछते हैं कैसा लगता है। और इधर मैंने रायता अभी प्लेटिंग कर दी है, रायता भी सर्व कर रही हूँ। बस आप इसमें चार सैलेड वगैरह जो मर्जी आपका मन करे वो दे सकते हैं। और हमारी प्लेटिंग कुछ इस तरह बन के तैयार है, सो टेस्टी, बहुत ही यम्मी लग रहा है, सो ब्यूटीफुल।